नमस्कार, मैं हूं विनीता और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज। समय हो चला है कुछ नेशनल इंटरनेशनल खबरों का। सुशील मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। सुशील मोदी ने कहा, मुख्यमंत्री ने बिहार की लड़कियों के साथ धोखा किया है, वादा खिलाफी की है। नीतीश मेडिकल और इंजीनियरिंग में लड़कियों को 33% आरक्षण देने का वादा भूल गए हैं। एक ही सरकार के समय नीतीश कुमार ने जो घोषणाएं की थी, उन घोषणाओं को एक एक करके महागठबंधन में जाने के बाद भूलते जा रहे हैं। जून 2021 के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह घोषणा की थी कि एनडीए सरकार मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में नामांकन के अंदर लड़कियों को 33% का आरक्षण देंगे। बिहार के अंदर 11 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं और 7 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। कुल मिलाकर 2021 सीटें मेडिकल कॉलेजेस में हैं, साथ ही साथ डेंटल में भी लगभग 270 सीटें हैं, यानी कुल मिलाकर 2291 सीटें MBBS और डेंटल मिलाकर बिहार के अंदर हैं। अगर इसमें 30% का अगर आरक्षण मिला होता तो लगभग 700 लड़कियों को इसका लाभ मिलता। उसी प्रकार बिहार के अंदर प्रत्येक जिले में एक एक इंजीनियरिंग कॉलेज हम लोग की सरकार ने स्थापित करने का काम किया था, और जो कुल मिलाकर 9,365 सीटें हैं। अगर 33% का आरक्षण मिला होता तो 3,000 से ज़्यादा लड़कियां इंजीनियरिंग कॉलेज में नामांकन पा सकती थी, लेकिन महागठबंधन बनते ही सरकार भूल गई और अभी मेडिकल की काउंसलिंग चल रही है, लेकिन सरकार ने कोई आदेश नहीं निकाला। अगर सरकार ने तत्काल कोई आदेश नहीं निकाला तो मेडिकल कॉलेजेस में नामांकन से लड़कियां वंचित हो जाएंगे। तो नीतीश जी, महागठबंधन में जाते ही आप अपने पूर्व के वायदों को भूल गए या भूलते जा रहे हैं। मैं आपको याद करा रहा हूँ कि आपने 2021 के जून माह में ये ऐलान किया था। आप उस समय वायदे को याद कीजिए और तत्काल मेडिकल और इंजीनियरिंग में इसी वर्ष आरक्षण देने की घोषणा कीजिए, नहीं तो एक साल लड़कियों का बर्बाद हो जाएगा। अगर आप चाहते तो जब जून 2021 में घोषणा की गई थी तभी तक यह घोषणा क्रियान्वित हो सकती थी। तब तत्काल मेडिकल और इंजीनियरिंग के अंदर लड़कियों के लिए 33% के अपने वायदे को पूरा करने का काम किया। यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास ने मंगलवार को एक नए परामर्श में वहां सभी भारतीय नागरिकों को तुरंत देश छोड़ने के लिए कहा। दूतावास ने रूस व यूक्रेन के बीच बढ़ती शत्रुता के मद्देनजर ये परामर्श जारी किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कर्नाटक के बीजापुर में भारतीय जनता पार्टी पर मुसलमानों से नफरत करने का आरोप लगाया है। मैं तो बोला कि इंशाल्लाह मेरी जिंदगी में या मेरी जिंदगी के बाद एक हिजाब पहनने वाली बच्ची भारत की प्राइम मिनिस्टर बनेगी, बोले। मैं तो बोला हूँ ये बात। अमेठी में एटीएम से 200 रुपए का नकली नोट निकलने का एक युवक ने दावा किया है। जिस समय ये घटना हुई वहाँ पर कोई गार्ड मौजूद नहीं था। एटीएम मशीन से नकली नोट निकलने के बाद कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियो वायरल कर बैंक के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की। वहीं पुलिस का कहना है कि तहरीर पर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। किसी जरूरत पर गई अपना बंद करना होगा। सब सब निकाले तो क्या आप ही के साथ ऐसा हुआ कि और अन्य लोगों को हो रहा है? जी सर, अभी एक लोग और आए थे, उनका भी नकली नोट निकला। अच्छा, उनका भी निकला? उनका किसी कितने रुपए का नोट निकला? 200 का ही निकला। कनाडा में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों और खालिस्तान अलगाववादी आंदोलन के सदस्यों के बीच दिवाली की रात विवाद की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक घटना कनाडा के मिसिसागा शहर की है। घटना में जुड़ी वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है। इन वीडियो में मिसिसागा में एक दिवाली पार्टी में दो समूहों को देखा जा सकता है। एक तिरंगा पकड़े हुए है और दूसरा खालिस्तान का झंडा पकड़े हुए है। पुलिस ने बाद में पुष्टि की कि विवाद में एक व्यक्ति घायल हो गया। व्यक्ति को मामूली चोटें आई हैं और पैरामेडिकल द्वारा उसका इलाज किया जा रहा है।